हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी एकदम नूडल्स लवर के लिए है। किस किस को नूडल्स पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार है। और कब नूडल्स की रेसिपी मैं बनाऊंगी, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको कैसे बना रही हूँ, बिल्कुल नई ट्रिक के साथ, मेरे अपने अंदाज के साथ। तो ऐसा एक कप नूडल्स का पैक ले लीजिए जो बहुत ही टाइटली फिक्स होता है, देखिए अंदर से एकदम ड्राई होता है और सील पैक होता है। तो इसको अच्छे से खोल दीजिए, थोड़ा सा टैप करिए और खोलिए, और देखिए ये नूडल्स हैं एकदम ड्राई होते हैं, जो सारी वेजिटेबल्स के अंदर ऑलरेडी हैं। इसको थोड़ा सा स्पून की हेल्प से टैप कर दीजिए ताकि वो नूडल्स थोड़ा नीचे को चले जाएँ, ताकि हमें बनाने के लिए स्पेस मिल सके। बस अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक गिलास ले लीजिए, उसमें एकदम गर्म गर्म पानी डालना है, पानी एकदम हॉट हो या ध्यान रहे। और बस उसके बाद मैंने उसमें मेयोनीज डाला है, लगभग एक चम्मच के आसपास मैंने डाला है। मेरे पास ये तंदूरी मेयोनीज है जो बर्गर में भी यूज़ करते हैं, वो डाला है। आपके पास कोई भी मेयोनीज है आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने जो दूसरी चीज़ डाली है वो है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ग्रीन चिली कटी हुई, हरा धनिया और गरम मसाला। सारे मसाले आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। मुझे थोड़ा स्पाइसी बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ज़्यादा ऐड किया है। और बस आपके अपने अनुसार आप जैसे बनाना चाहें। अब डालते हैं एक बहुत बढ़िया फ्लेवर जो कि ऑर्गेनो से ही आता है। मैंने डालते हैं हाफ स्पून ऑर्गेनो और लगभग दो चम्मच मैंने डाला है इसमें चीज़। चीज़ का टेस्ट इसमें बहुत ही यम्मी आएगा फ्रेंड, ज़रूर डालिए इसको। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस अब हमें अब नूडल्स के अंदर इसको ऐड कर देना है, ये स्पाइस वाला पानी अपना बस डाल दें और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल सील पैक करके रख दें। इसके ऊपर कोई भारी प्लेट रख दें, बस खोलने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लगभग 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ओहो, देखिए कितने बढ़िया नूडल्स बने हैं एकदम से। और चीज़ का लुक आप देख सकते हो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो आप, अच्छे से एकदम मेल्ट हो चुका है। इसे देख के सारे बच्चे बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि उनके फेवरेट हैं, और आई थिंक से बड़ों के भी ये फेवरेट हैं। जब भी कुछ छोटा मोटा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुश्किल से 10 मिनट में भी बन जाती है, और बहुत सब चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं। सो देख सकते हो आप कितने बढ़िया टेक्स्चर आया है इस नूडल्स का, इस तरीके से जो बनाया है मैंने। तो इसको अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको बनाएं। और जब भी आप इसको खाएं तो ज़रूर बताएं आपको न्यू ट्रिक वाले नूडल्स कैसे लगे। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। छोटी सी है बट बहुत ही यमी है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।